वोटर वाटसा ये बीच से खाली करवा दें यार ये बहुत खास है स्वीप की तरफ से जो इस पोलिंग स्टेशन में देख रहे हैं हम जैसे यूथ्स को वो लोग यहाँ आके देखने के इनमें पार्टिसिपेट करने का जो अपॉर्चुनिटी स्वीप वाले दे रहे जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि इलेक्शंस में होता क्या है कैसे इलेक्शंस होते हैं इलेक्शन के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्वीप्स हम जैसे यूथ्स के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है स्वीप्स ने स्पेशली डिसेबल लोगों के लिए स्वीप्स ने बहुत कुछ किया है जैसे कि व्हील चेयर का इंतज़ाम किया है बहुत सारे लोगों का इंतज़ाम किया है ताकि डिसेबल लोग जो डिसेबल है वो अपना वोट दे सके आराम से आके दे सके उनको व्हील चेयर है वो व्हील चेयर पर जाके अपना वोट दे सके ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज स्वीप वालों ने रखा है हम जिस हाँ एक कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करना चाहिए सबसे पहले तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री का वो है कि सब लोग यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करें वो ये हम लोग का हक है यार किसी का चाहे जो भी हो वो आना चाहिए और अपना पार्टिसिपेट देना चाहिए और अपना उम्मीदवार को निकालना चाहिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे लिए आने वाली जनरेशन के लिए तो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर उसके अंदर सबसे पहले तो वो जो होते ना आजकल करप्शन बहुत चलता है वैसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि वो देख के करे कि ये इंसान सबसे पहले हमें उस इंसान की क्वालिटी देखना चाहिए कि वो हमारी वो इसके लिए क्या कर सकता है हमारे फ्यूचर के लिए क्या कर सकता है तो इस क्वालिटीज़ को देख के हमें उस इंसान को चुनना चाहिए ना कि पैसा देख के या दूसरी चीज़ों की वजह से या हमारे रिश्तेदार है वैसे नहीं देखना चाहिए बल्कि वो इंसान हमारे लिए क्या कर सकता है हमें ऐसे उसको चुनना एक तो इस महात्यौहार के लिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्री बशीर उल्लाह साहब की जानिब से पूरी तौर पर प्रिपेयर्ड हैं और बड़े अच्छे स्मूथली इलेक्शन चल रही है जहाँ तक हमारे स्वीप का ताल्लुक है हमने डीसी साहब के सुपरविजन में 11 मॉडल पोलिंग स्टेशंस बनवाए हैं बाकी तो हर पोलिंग स्टेशन पर हर तरह की फैसिलिटीज़ इस बार अवेलेबल है बट इन मॉडल पोलिंग स्टेशंस पे खासतौर पर हमारे ऑफिशियल्स जो प्रॉपरली हमारे खासतौर पर जो PWD वोटर्स हैं उनको एसेस करने के लिए यंग वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए ओल्ड एज वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ या आपके इवन फीडिंग चैम्बर भी हमने लेडी पोलिंग स्टेशन पर बनवाई है या फिर आपके वेटिंग हॉल हो गए बहुत सारे तरह की फैसिलिटीज़ बनाई है आप जैसे कि आप देख रहे हैं डिफरेंट
तरीके से हमने सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं जो यंग वोटर्स आते हैं या ओल्ड एज वाले आके यहाँ पे सेल्फी अपना देके गॉट इन का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ज़ोर शोर से। तो हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि लोग इतने एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप जैसे कि देखते हैं इस मॉडल पोलिंग स्टेशन पर भी काफ़ी रौनक सजी हुई है और लोग भी बड़े एंथुजियास्टिकली आके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए फिरोज साहब, हम पिछले जो ये एमपी इलेक्शन जो है ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन है। इसमें जो हमारा जो नुमाइंदा होगा वो पार्लियामेंट जाके हमारे जितने भी मसाइल से वहाँ पे डिस्कस करेगा। आज तक जो भी है हमारा जो खरगिश है ना वो ले से काफ़ी पीछे पेचीदा रह चुका है। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई नुमाइंदा हमारा रहनुमाई करे जो हमारे जितने भी हक है, जिस तरह हमारा यहाँ का रोजिला का मसला है, एयरपोर्ट का मसला है, ये पिछले से जब हम पैदा हुए थे तब से वही पड़ा हुआ है, अभी तक ऐसा ही है। हम ऐसा नुमाइंदा चाहते हैं कि जो जाके ये जो जितने भी मसले हैं वो हल करें और जो भी हमारा यहाँ से कैंडिडेट जाएगा वो मतलब वहाँ जाके बात